पिछली बार हमने जो अपना सेशन छोड़ा था वो छोड़ा था ये सम ऑफ फाइव नंबर्स पे आई थिंक, है ना? ठीक है, उसके आगे करते हैं, आगे के प्रोग्राम देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट टू भी हमने कर लिया था, मल्टी कॉन्स्टेंट की बात की थी मैंने, जिसमें फिर आपको वेरिएबल और कॉन्स्टेंट बताए थे कि आपके जो टाइटल्स होते हैं, हेडिंग्स जो होती हैं उन्हीं को वेरिएबल कहते हैं। ये एक सेविंग स्पेस होता है VBA में। ठीक है, और ये वाला कर लिया था क्या हमने, कैरेक्टर, सी आइटम, नुमेरिक? हाँ, ये भी कर लिया था। हाँ, ये वाला करना है हमें। अब इसमें क्या है कि फाइंड आउट इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव। ठीक है, कि पाँच से डिविजिबल है कि नहीं। अब देखो, इसमें सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, न्यूमेरिक का एन नंबर ले लिया इन्होंने, एक्सेप्ट एन नंबर, इनपुट एक्सेप्ट किया, फिर एक कंडीशन आई। अब इसमें जो होते हैं आपके कंडीशन आती हैं सारी, तो इज एन नंबर ये किस चीज़ का साइन है? ये परसेंटेज का साइन नहीं है, मड्यूलो का साइन है। ठीक है, मड्यूलो का साइन है इक्वल टू ज़ीरो। मड्यूलो क्या होता है, एक्सेल में दिखाता हूँ आपको कि मड्यूलो हम इसमें के प्रोग्रामिंग की भाषा में क्या होता है। एक्सेल स्टार्ट कर लेता हूँ। तो कोई नंबर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं नंबर डालता हूँ कुछ भी, क्या ये पाँच से डिविजिबल है कि नहीं? तो हमारे पास होता है एक मोड का फॉर्मूला, MOD। ठीक है, तो मैं नंबर डालता हूँ, कॉमा डिविजिबल डालता हूँ, पाँच डिविजिबल डाल दिया मैंने। ठीक है, तो ये मुझे क्या दे रहा है, रिमाइंडर। मतलब ये नहीं दे रहा कि पाँच कम पाँच, पाँच एक से मल्टीप्लाई हुआ है, ये दे रहा है कि बचा क्या, शेषफल जिसे कहते हैं हिंदी में, तो शेषफल देता है। अब अगर हम उस प्रोग्राम की बात करें तो क्या होता है उस प्रोग्राम में, खुल जाए जरा सा। हाँ, तो इसमें कह रहा है कि इज एन नंबर मड्यूलो फाइव इक्वल टू ज़ीरो, मतलब क्या उसका शेषफल ज़ीरो है? अगर है तो यस में फ्लो लाइन चलेगी और ये आउटपुट में मैसेज डिस्प्ले करेगा डिविजिबल बाय फाइव। अगर शेषफल ज़ीरो नहीं है तो नो में लाइन चलेगी, ये आएगा डिस्प्ले नॉट डिविजिबल बाय फाइव। तो अगर हमें ये एक्सेल में बनाना होता प्रोग्राम, तो हम इस फॉर्मूले को इफ के अंदर डाल देते सीधा सीधा, इफ ये इक्वल टू ज़ीरो है कि नहीं, तो यस केस में क्या करते, डिविजिबल बाय फाइव। हाँ, ई डिविजिबल बाय फाइव। ठीक है, फॉर्मूला तो हम ऐसे बनाते, और नहीं होता तो हम लिखते नॉट डिविजिबल बाय फाइव। ठीक है, कुछ इस तरह से देते। तो यहाँ पे मान लीजिए नंबर डाल रहे हैं, यहाँ नंबर डाल डिविजिबल बाय फाइव। तो सेम प्रोग्राम हमें इसके अंदर बनाना है, VBA के अंदर। ठीक है, तो VBA के अंदर ये ABCXLAM क्या आ रहा है, ये हमने एक एड इन ऐड कराया था, तो मैं इस एड इन को हटा देता हूँ पहले फ़िलहाल, तो इसलिए आ रहा है एड इन्स में गो ABC। ओके, इस कारण से वो दिखा रहा था, तो अब हट गया, हमारा प्रोजेक्ट वन दिखा रहा है आपको। मैं इंसर्ट कर लेता हूँ एक मॉड्यूल। ठीक है, अब इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। तो सब मैंने बताया था, सबसे स्टार्ट करते हैं, डिव बाय फाइव इसका नाम रख देता हूँ, एंटर। ठीक है, तो जैसा कि ये प्रोग्राम कह रहा है हमसे कि पहले एक वेरिएबल डिस्क्लेयर करना है, न्यूमेरिक एन नंबर, तो इसकी जगह मैं ले लेता हूँ इंटीजर ही ले लेता हूँ, डिम आई नम एज इंटीजर। ठीक है, आई नम को हम ले लेते हैं इनपुट बॉक्स से। ठीक है, इनपुट बॉक्स, और इसको कहते हैं एंटर
नंबर, ठीक है। अब आई नम के अंदर इनपुट बॉक्स से जो भी आएगा इनपुट आ जाएगा, ठीक है। अब हमें जो ये कंडीशन लगानी है, एक्सेप्ट एन नंबर वाला भी कर लिया हमने, ठीक है। अब इस एन नंबर मॉड्यूलो बाय 5, इसको ऐसे करेंगे इफ़, जैसे हम फार्मूला लगाते हैं उसी तरह से यहाँ पे चलेगा। इफ़ थोड़ा सा अलग है, इसमें ब्रैकेट स्टार्ट नहीं होता। इफ़ आई नम, इसमें मॉड्यूलो का, उसमें मॉड का फार्मूला है। यहाँ पे क्या है, एक ऑपरेटर है, एक परसेंटेज का, उल्टा परसेंटेज का साइन होता है, वो मॉड्यूलो में कंसीडर होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। यहाँ पे इन्होंने इसकी जगह ऑपरेटर यूज़ किया है, इसको मॉड, जैसे हमने एंड और के इसके अंदर यूज़ करते हैं इसमें भी, तो उसी तरह MOD के नाम से भी है। इफ़ आई नम मॉड 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी कंडीशन आ गई जो इफ़ के अंदर एज अ फार्मूला आता है, ठीक है। उसके बाद देन, ठीक है, मॉड अपने आप ये ब्लू में हो गया ना, ये ऑपरेटर है, ठीक है। इफ़ के बाद एंड इफ़, एंड इफ़ जो होता है हमें क्लोज करना पड़ता है कि इफ़ ख़त्म कहाँ हो रहा है, ठीक है। अब इफ़ और एंड इफ़ के बीच में जो आप दोगे उसका मतलब होगा कि यस में क्या एंट्री करनी है। तो मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स मैं कर देता हूँ डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अगर हमें मतलब फॉल्स केस में जाना है, ठीक है, अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कहाँ आएगा, तो इफ़ और एंड इफ़ के बीच में एक डलता है एल्स, ठीक है। तो दो पैटर्न बन जाते हैं, इसके अंदर आप जितनी इफ़ से एल्स के बीच में जितनी लाइनें लिखते हैं वो यस में काउंट होती है और ये नो में काउंट होगी एल्स और एंड इफ़ के बीच में। अगर एल्स नहीं होगा तो इफ़ एंड इफ़ के बीच में यस ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मैसेज बॉक्स नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को चलाता हूँ एक एक करके F8 के ज़रिए। ये हमारा इनपुट बॉक्स आया, नंबर डाला मैंने 10 डाल दिया पहले, ओके किया। अब ये चेक करने पहुँचा है तो इसने क्या चेक करेगा, यस के केस में यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद डायरेक्ट एंड इफ पे कूद जाएगा, एंड सब प्रोग्राम ख़त्म। और दूसरे केस में देखते हैं, अब इसकी बार मैं 8 डाल देता हूँ, ओके। तो यहाँ से अब इसका फॉल्स आएगा, क्या यहाँ पे एल्स पे कूद गया है, इसको छोड़ दिया, यहाँ एल्स की कंडीशन चलाई नॉट डिविजिबल 5 एंड इफ एंड सब। प्रोग्राम के बीच में आपने देखना है कि इसने क्या इवेल्यूएट किया था येलो लाइन के बाद, तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ देख सकते हैं, फॉल्स आ रहा है ना, आई नम मॉड 5 फॉल्स, ठीक है। तो ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम समझ आया, कोई कन्फ्यूजन इसमें, ठीक है। इफ़ में कंडीशन आपकी यहाँ डलेगी, फिर देन लगेगा, देन के बाद यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, मतलब कितनी भी लाइनें आ सकती हैं, ठीक है। ट्रू के केस में, फॉल्स के केस में आपको एल्स डालना पड़ेगा और एल्स के बाद वाली एंट्री सारी आपकी फॉल्स की होगी और एंड इफ क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम, हमने ये बना दिया, ठीक है। अब डिस्प्ले द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, अब 3 नंबरों में बड़ा कौन है, उसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। आपने 3 नंबर एंटर किए और इसे बताना है सबसे बड़ा कौन है उसमें से, तो ये कैसे करेगा। स्टार्ट में इसने कितने नंबर लिए, 1, 2, 3 और 1, 4 एन लार्जेस्ट, ये वेरिएबल ले लिया 4, ठीक है। तीनों नंबर सेव कराए, पहली कंडीशन क्या कह रही है, इज़ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, अगर ट्रू आता है तो यहाँ पे एन लार्जेस्ट में नंबर 1 सेव करा देगा, नहीं आता तो एन लार्जेस्ट में 2 नंबर सेव करा देगा। तो इस कंडीशन में एन लार्जेस्ट में वही सेव होगा जो बड़ा होगा, ठीक है। तो नम 1 नम 2 के बीच की कन्फ्यूजन गई, ठीक है। तो अब
ये चेक करेगा कि क्या नंबर तीन एन लार्जेस्ट से बड़ा है, बड़ा है तो नंबर तीन डिस्प्ले करा देगा, और नहीं है तो जो एन लार्जेस्ट में वैल्यू है उसको डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, तो तीनों में बड़ा कौन सा है ये निकाल देगा। अब इसको अगर बनाए इसका नाम मैं लिख देता हूँ लार्ज थ्री। ठीक है, तो ये बाकी हटा देता हूँ। आई नम वन एज इंटीजर, आई नम टू एज इंटीजर, आई नम थ्री एज इंटीजर और एन आई लार्जेस्ट। ठीक है, एज इंटीजर ये मैंने डिक्लेयर कर दिए। अब ये तीनों नंबर एक्सेप्ट कराने हैं तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तीन दे देता हूँ, वन टू थ्री, तीन नंबर एक्सेप्ट हो गए, यूजर से ले लिए हमने तीन नंबर। यहाँ अब पहली कंडीशन इज़ नम वन इज़ ग्रेटर देन नम टू, तो मैं इसको करूँगा इफ़ आई नम वन ग्रेटर देन आई नम टू, फिर क्या आएगा देन। ठीक है, और इसमें एंड इफ लगा देता हूँ, और इसमें हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी तो एल्स भी लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसके बीच में करेंगे, अगर बड़ा होता है तो क्या जाएगा आई लार्जेस्ट में इक्वल टू आई नम वन। ठीक है, और नहीं तो हाँ, इनको जैसे इफ़ के अंदर जा रहे हैं ना तो एक टैब आगे रखो, ये प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स हैं लार्जेस्ट, इससे प्रोग्राम थोड़ा सा विजिबल रहता है, क्लियर रहता है कि क्या लिखा है आई नम टू। ठीक है, अब इन दोनों में से बड़ा मिल गया आई लार्जेस्ट को, अब हम एक और इफ लगाएंगे। ठीक है, इफ आई लार्जेस्ट, इसमें स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, एक ये जो स्पेलिंग गलत होगी तो नहीं चलेगा, कुछ गड़बड़ा, आई लार्जेस्ट ग्रेटर देन आई नम थ्री देन, अब यहाँ पे भी एल्स चाहिए, एंड इफ चाहिए, यहाँ पे दिखेंगे हम मैसेज बॉक्स दिखा देते हैं डायरेक्ट कि यहाँ पे कौन सा है। अब वेरिएबल हम डायरेक्ट लिख देते हैं जो भी दिखाना है, पहले लिख देते हैं द लार्जेस्ट नंबर इज स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, कंकैटिनेट कर देंगे आई लार्जेस्ट। ठीक है, ये हो गया, और अगर हमारा आई लार्जेस्ट बड़ा नहीं होता है तो हम एल्स केस में कर देंगे आई लार्जेस्ट की जगह आई नम थ्री। ठीक है, वेरिएबल हम डायरेक्ट दे सकते हैं। अब इसको चलाते हैं, पहला नंबर 10, 25 और तीसरे में 15। ठीक है, अब नम वन में क्या है 10 है, नम टू क्या है 25 है। ठीक है, तो 25 बड़ा है तो एल्स में कूदेगा, तो आई लार्जेस्ट अभी 0 है, अब क्या हो गई 25 हो गई, आई लार्जेस्ट में लार्जेस्ट 25 है, आई नम 15 है। ठीक है, तो लार्जेस्ट वाला बड़ा है यहाँ आ जाएगा ट्रू के केस में, और दिखा देगा द लार्जेस्ट नंबर इज 25। ओके, एंड इफ एंड सब, तो इस तरह से आपका एक प्रोग्राम बनेगा। ये एक्सरसाइज मैं बना बना के इसलिए दिखा रहा हूँ कि छोटे छोटे प्रोग्राम चलते कैसे, अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो आपको फिर बड़े प्रोग्राम्स में भी दिक्कत नहीं होगी। मेन जो लोग फंसते हैं वो इसी में फंसते हैं,
हाँ, क्योंकि कोड रिकॉर्ड करना तो बहुत आसान है, कोडिंग आपको पूरी मिल जाएगी, पर उसको बेसिकली लॉजिक क्या लगाना है, कैसे बनाना है, ये फ्लो चार्ट्स में यही सब चीज़ें हैं कि हम बनाते कैसे हैं प्रोग्राम, दिमाग क्या लगाना है हमें, कहाँ लूप चलेगा, कहाँ कंडीशन चलेगी। ठीक है, आगे आते हैं। अब ये कह रहा है चेक इफ़ द एज इज़ नेगेटिव, कह रहा है एज डलवानी है यूजर से पर वो जी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पर इसमें ये दो चेक चेक कर रहा है। अब देखते हैं क्या कर रहा है। न्यूमेरिक एन एज, एन एज इन्होंने लिया, एन एज एक्सेप्ट कराई। अब ये पहले चेक कर रहा है कि एज तो ठीक है, कहीं उसने ज़ीरो तो नहीं है, इज़ एन एज ज़ीरो, अगर है एज के नॉट भी ज़ीरो, प्रोग्राम ख़त्म कर देगा, ये फ्लो लाइन ऐसे चल के बाहर आ गई। अगर जीरो नहीं है तो ये देख रहा है क्या ये जीरो से छोटा है, एज बड़ा है मतलब जीरो से, तो अगर बड़ा है तो डिस्प्ले कर देगा एज को, नहीं है तो लिखेगा एज के नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से दो मैसेज दिखा रहा है। तो ये हम बना के देखते हैं। इसमें कर देते हैं सब एज नेक, ठीक है, एंड सब आ गया होगा अपने आप ही। ठीक है, तो डिम एन एज एज इंटीजर, अभी नंबर वाले सारे इंटीजर में ही लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, और एन एज एक्सेप्ट कराएंगे, एन एज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, मैंने कहा था कि ब्रैकेट उसी में लगाते हैं जो किसी को वैल्यू दे रहा होता है। ठीक है ना, जैसा मैसेज बॉक्स में नहीं लगाते क्योंकि वो आउटपुट देता है, हालांकि ब्रैकेट लगाओगे तो भी चलेगा क्योंकि मैसेज बॉक्स भी कई बार कुछ ना कुछ देता है पर उसका तरीका अलग होता है। तो हमने ये पहले चेक करा लिया, एंटर नंबर एंटर करा दिया, उसके बाद ये कहता है कि इज़ एन एज इक्वल टू ज़ीरो, तो कैसे करेंगे, इफ़ एन एज इक्वल टू ज़ीरो कंडीशन हो गई है, देन, और 10 लिख दिया मैंने, देन एंड इफ, अगर ज़ीरो है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाना चाहिए, ये कह रहा है मैसेज बॉक्स दिखा के, मैसेज बॉक्स एज कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें एल्स केस नहीं चाहिए, अच्छा हाँ एल्स चाहिए, तो हम इसी में ही ख़त्म कर देंगे एल्स। अब ज़ीरो नहीं है तो क्या है, अब ये मेरे से पूछ रहा है इज़ एन एज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये एल्स के अंदर हम एक और इफ़ लगा सकते हैं, मतलब कितने भी ऐसे अंदर अंदर हम कोडिंग कर सकते हैं, एन एज ग्रेटर देन ज़ीरो, देन अगर ग्रेटर इसका भी एंड इफ लगाएंगे, एक टैब हम इसलिए आगे रखते हैं ताकि हमें पता पड़ जाए कि किस इफ का कौन सा एंड इफ है, क्योंकि एक लाइन में लिखेंगे हमें नहीं मालूम पड़ेगा। हाँ, तो अगर एज बड़ी है ज़ीरो से तो हम क्या डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले एज करनी है, तो मैसेज बॉक्स में सीधा सीधा हम एन एज डिस्प्ले कर देंगे। और मान लीजिए इसमें डिस्प्ले कर देंगे, एल्स केस में आपको क्या करना है, नो में भी है डिस्प्ले एज के नॉट भी ज़ीरो, तो इस इफ का एक एल्स केस बनेगा। ठीक है, एल्स मैसेज बॉक्स एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, ये बन गया आपका प्रोग्राम। अब चलाते हैं, सबसे पहले एज मैंने 25 एंटर की, ओके, तो चेक किया ज़ीरो है, नहीं है, एल्स में कूद गया, इसने देखा ज़ीरो से बड़ा है तो इसने एज डिस्प्ले करा दी। ठीक है, एंड इफ एंड इफ एंड सब,
और इसी में आगे चलते हैं। मान लीजिए ज़ीरो डाल दिया मैंने, ओके किया तो ज़ीरो है मैसेज के नॉट बी ज़ीरो, ठीक है ये आ गया। एंड इफ पे पहुंचा सीधा इसके एल से एंड सब, और मान लो नेगेटिव माइनस में पड़ जाती, माइनस में पड़ गई तो ज़ीरो तो नहीं है और इसमें बड़ा है नहीं है, ये कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम रन होता है। और देखते हैं एग्जांपल, इन्हीं एग्जांपल से आपको आइडिया लग जाएगा, बहुत छोटे छोटे हैं, कि काम कैसे कर रहा है। आगे चलते हैं, अब बारी आती है लूप की। ये तो थी कंडीशन, ठीक है, ये भी कंडीशनल ही होते हैं, पर इसमें प्रोग्राम के फ्लो के देखना थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको। अब इसने बोला है डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ 10 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से हो गए आपके, 2, 4, 6, 8, हाँ तो उनका प्रोडक्ट निकालना है 10 का, ठीक है 2, 4, 6, 8 इन सब का। तो इसने पहले क्या लिया, देखो स्टार्ट नुमेरिक में लिया इसने एन नंबर प्रोडक्ट एन इवन, तीन वेरिएबल लिए, तीन वेरिएबल्स को इसने वैल्यू भी वहीं से असाइन कर दी कि नंबर जो हमारा है वो 2 से शुरू होगा, ठीक है 2 होगा, एन इवन 0, एन प्रोडक्ट 1। एन इवन और एन प्रोडक्ट किस लिए कर रखा है वो भी बताता हूँ अभी, प्रोडक्ट इक्वल टू 1, ठीक है। तो एन प्रोडक्ट में इसने क्या किया है, इक्वल टू एन नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन प्रोडक्ट, पहले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एन प्रोडक्ट में क्या चला गया 2, पहले क्या था 1 था, ठीक है। फिर इसने एन नंबर इक्वल टू एन नंबर प्लस 2, तो एन नंबर में क्या था पहले 2, तो उसमें 2 प्लस और कर दिया, हाँ 4 हो गया, एन नंबर में 4 चला गया। एन इवन में इसने कहा इक्वल टू एन इवन प्लस 1, तो एन इवन में 0 था 1 कर दिया, ठीक है। अब आगे यहाँ पे चेक कर रहा है एन इवन लेस देन 10, तो ये बेसिकली आपका काउंटर है, ठीक है अभी काउंटर क्या कर रहा है वो भी बताता हूँ। लेस देन 10, तो अभी एन इवन में 1 पड़ा हुआ है, ठीक है तो 1 तो 10 से छोटा ही है, तो यस में जाएगा वापस और ये प्रोसेस दोबारा से शुरू करेगा। आपकी वीडियो नहीं चल रही है, पर आपका मैसेज तो आ रहा है मेरे पास, वीडियो तो चलनी चाहिए क्योंकि अविनाश जी आपका आ रहा है सही, अविनाश जी ओके इनकी वीडियो कैसे बंद हो रखी है। हेलो अविनाश जी, नेट तो यहाँ से ऑन है, मैं क्या करता हूँ, इट इज़ फ्रोजन, ओके वन सेकेंड, मैं इसको ना अपना थोड़ा सा नेट बंद कर देता हूँ वाईफाई वाला, तो काम बन जाएगा। हो सकता है मेरे एंड से प्रॉब्लम हो, अगर ऐसा होगा तो अभी चल जाएगा। अब देखिए अब हुआ क्या आपका चालू,
आप दोबारा लॉगिन कर लो, क्योंकि मैंने अभी स्क्रीन रोक रखी है, मैं खाली बोल ही रहा हूँ मैं इसमें। तो अविनाश जी, क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, हेलो, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि इसमें अभी यहाँ पे आगे नंबर बढ़े और कम है तो ये वापस जाएगा। अब एन प्रोडक्ट में क्या नंबर आ गया था यहाँ करने पे? 2, तो एन नंबर में क्या आया? 4, और 4 2 8 हो गए, ठीक है, 8 गया प्रोडक्ट में। यहाँ पे क्या आ गया था एन नंबर में? 4 2 6 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया। तो मतलब एन इवन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन होगी ये एन इवन बढ़ता चला जाएगा, और इस हिसाब से जैसे ही ये 10 से के बराबर होगा ये प्रोडक्ट दिखा देगा वही मल्टीप्लिकेशन। अगर इसको आसान शब्दों में समझना है तो मैं इसमें एन इवन, एन नंबर और एन प्रोडक्ट का एक एक्सेल का प्रोग्राम वैसे ही बना के दिखा देता हूँ एक्सेल में कि कैसे होने वाला है। अगर मैंने पहले ले लिया एन नंबर, ठीक है, एन एन प्रोडक्ट और एन इवन, ठीक है, तो नंबर हमने सबसे पहले लिया 2, प्रोडक्ट हमने लिया था 1 और इसको लिया था 0। क्या फार्मूला क्या क्या लगा हुआ है? एन प्रोडक्ट पे लगा है एन नंबर प्लस मल्टीप्लाइड बाय एन प्रोडक्ट, तो एन प्रोडक्ट में ये हुआ हमारा नंबर मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट, ठीक है। और क्या है एन नंबर में? क्या है एन नंबर प्लस 2, और ये है हमारा प्लस 2, ठीक है, और ये है एन इवन हमारा प्लस 1, ठीक है। इस तरह से प्रोग्राम चल रहा है, इसको ड्रैग कर देता हूँ। तो जैसे ही ये 10 पार करेगा, 10 पे आएगा, 10 के बराबर पहुँचेगा, वो आपको आंसर दे देगा, ठीक है, ये आपको दिखा देगा। तो यही चीज़ हम प्रोग्रामिंग में कैसे बनाएंगे, सब नंबर प्रोडक्ट 10 P10 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर है डिम, अब ये मल्टीप्लाई है इंटीजर जो है 65,000 तक ही वैल्यू लेता है, हाँ, तो अब हमें यहाँ पे ज़्यादा बड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सीधा डिम क्या करता हूँ, एन नंबर जो है हमारा, नंबर तो 2 3 4 5 ऐसे ही बढ़ेगा, तो एज इंटीजर कर लेता हूँ इसको, ठीक है। एन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू कंटेन करेगा, तो इसको मैं डबल में ले लेता हूँ, ये डबल में होगा, ठीक है। एन प्रोडक्ट इवन, इवन भी 1 2 3 4 ऐसे ही बढ़ रहा है, तो एज इंटीजर, ठीक है। अब ये हो गया, अब इनकी पहले वाली वैल्यू, एन नम को कितनी वैल्यू दी है? 2, ठीक है। एन प्रोडक्ट को कितनी वैल्यू दी है? 1। एन इवन को कितनी दी है? 0 0, ठीक है। ये हो गई हमारी वैल्यू असाइनमेंट। अब ये आगे चल रहा है, अब ये जो लूप है ये सर्कल कैसे चलेगा,
इसको ऐसे दिखाते हैं, डू लूप, ठीक है। अब इसमें कंडीशन आपकी डू के बाद भी आ सकती है, लूप के बाद भी आ सकती है, ठीक है। इसके बीच में जो लिखा जाएगा वो बार बार चलेगा, तो पहले मैं इसके बीच में जो लिखा है वो लिख लेता हूँ और कंडीशन पे कैसे चलेगा वो आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले n प्रोडक्ट इक्वल टू n प्रोडक्ट इक्वल टू n num मल्टीप्लाइड बाय n प्रोडक्ट, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। n नंबर, नंबर प्लस टू, n num इक्वल टू n num प्लस टू, ठीक है। और n even इक्वल टू n even प्लस वन, ठीक है, ये चल गया। अब जो ये कंडीशन घूमी है, इज n even ग्रेटर देन लेस देन ज़ीरो, तो यहाँ हम डायरेक्ट कंडीशन दे देंगे, n even लेस देन टेन, n even लूप, हाँ ये कंडीशन आएगी वाइल के साथ, ठीक है, कि जब तक ये उससे छोटा है, ठीक है, और फिर जब ये काम ख़त्म, जैसे ही कंडीशन पूरी होगी ये बाहर निकल जाएगा इससे। तो मैसेज बॉक्स में हम दिखा देते हैं, क्या दिखाएं, दिखाएंगे n प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब चलाते हैं f8 करके, ये नंबर गया, प्रोडक्ट में पहले क्या आया, वन, तो ये प्रोडक्ट में यहाँ दो आ गया, यहाँ चार आ गया, यहाँ, तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा जब तक n इवन, चार पाँच छः सात आठ नौ, और जैसे ही ये 10 होगा, क्योंकि अब ये छोटा नहीं रहा, ये बाहर आ जाएगा और आपको जो आंसर दिखाएगा, ठीक है, समझ आया कैसे चलेगा ये एफेक्ट। तो ये कीवर्ड होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं कि ये डू लूप के साथ यहाँ कंडीशन कैसे फिट की है। इसके भी बहुत सारी ट्रिक हैं, मैं बताऊंगा इसके अंदर जब लूप्स पे आऊंगा। तो हमारे पास चार पांच तरह के लूप हैं, चार अलग अलग रूप हैं जो लूप हैं, काम सबका वही है रिपीट करना, पर कंडीशन उसमें अलग अलग तरीके से चलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लूप कैसे चलाते हैं इसमें। अब आगे चलते हैं, काउंट द नंबर ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स। अब ये कह रहा है कि यूजर से नंबर डलवाओ और उसमें ऑड कितने डाले, उसने इवन कितने डाले वो बताओ, ठीक है। तो इसमें इसने लिखा है एन नंबर जो यूजर से एक्सेप्ट होगा, एन ऑड एन इवन, इसमें ये काउंट करेगा कि ऑड कितने इवन कितने। एन काउंटर, ये जो हमने इवन किया था ना, जिसके बेस पे कंडीशन चेक होती है, वो बेसिकली काउंटर होता है, ठीक है, कि ये डिसाइड करता है कि ये लूप कितनी बार चलेगा, है ना। तो इस कंपोनेंट को काउंटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये वही चीज़ कर रहा है, तो इसमें कह रहा है कि आगे आपने एन काउंटर वन लिया, एन ऑड ज़ीरो, एन इवन ज़ीरो, वहाँ पे n even का जो काउंटर था, इसने तो अलग से काउंटर बनाया, पर वो जो काउंटर था उसने ज़ीरो लिया था वहाँ n even, पर यहाँ पे इसने कंडीशन थोड़ी सी बदल दी है, इसने लेस देन और इक्वल टू कर दिया, इसलिए वन, नहीं तो यहाँ ज़ीरो से भी चल जाता है, ठीक है। ज़ीरो से करते और इक्वल टू ना लगाते तो वैसे 50 लगाता, ठीक है। अब इसने नंबर एक्सेप्ट किया, चेक किया, क्या n नंबर मड्यूलो बाय 2 इक्वल टू 0, अगर येस है तो इवन में प्लस करेगा, नो है तो ऑड में प्लस करेगा। तो इन दोनों के प्लस माइनस के बाद काउंटर अपना काउंटर प्लस जारी रखेगा, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, काउंटर में ऐड होना ही होना है, ठीक है। तो ये गिनेगा कि 50 वैल्यू आई कि नहीं आई, ठीक है। फिर इवन के पास ये रिकॉर्ड रहेगा कि कितने इवन आई, ऑड के पास कितनी ऑड आई, ठीक है।
तो डिस्प्ले एन ऑड एन इवन, मतलब वो नंबर बताओ कि कितने ऑड आए कितने इवन आए। तो हम इसको 50 पे ना चला के 10 पे चलाते हैं, ठीक है। लूप कुछ ऐसा ही लगेगा, ये मैं इन्हीं को ही ले लेता हूँ P10 की जगह इवन ऑड ऑड, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या चाहिए, वेरिएबल नंबर एन ऑड एन इवन एन काउंटर। तो नंबर एन ऑड एज इन टीचर, और ये एन इवन है और एन काउंटर, काउंटी लगा देता हूँ एज इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इवन ऑड इसको मान लो 0 दिया था, एन नम को इन्होंने क्या दिया है, एन नम कोई दिया ही नहीं है, यूजर से लेना है, तो इसको तो छोड़ ही दो। एन ऑड ये भी 0 और एन काउंट इक्वल टू इसको 1 कर देते हैं और अपना काउंटर का जो ये काम करेगा यहाँ इक्वल टू 1 लगा देते हैं, इक्वल लेस देन इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। अब वो कंडीशन हमें सेट करनी है, डिस्प्ले हम एनी वन और ऑड करेंगे तो इसको हम बाद में बनाएंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले बीच की कंडीशन बनाते हैं कि ये कैसे बनी, एक्सेप्ट एन नंबर। तो सीधा सीधा एन नम को ले लेते हैं इनपुट बॉक्स से, इनपुट बॉक्स एंटर एंटर नंबर, अरे यार नंबर ये आ गया। अब उसके बाद इसने कहा, इसने चेक किया कि इवन कितने ऑड कितने हैं, कंडीशन इज एन नम मॉड बाय वो। तो हमने करना है इफ एन नम मॉड 2 इक्वल टू 0 देन एंड इफ यूज करेंगे। हाँ इनको एक टैब आगे रखता हूँ, ठीक है, एंड इफ, और इसमें मुझे एल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा मॉड बाय 2, अगर यस होता है तो एन ईवन में जा रहा है, तो एन ईवन इक्वल टू एन ईवन प्लस 1, ठीक है। अगर नहीं है तो एन ऑड इक्वल टू एन ऑड प्लस 1, ठीक है। और ये दोनों होने के बाद जो हमारा एन काउंट चल रहा है वो तो चलेगा एन काउंट प्लस 1, ठीक है, ये हर केस में प्लस 1 होगा चाहे वो आए चाहे वो। तो अब जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, अच्छा हाँ इससे पहले मैसेज बॉक्स भी तो दिखाना है, एक मैसेज बॉक्स में हम कर देंगे इवन नंबर्स एन इवन, ठीक है। और एक हमारे पास जैसे ऑल्ट एंटर करते हैं ना, तो वो हमारे पास वैसे नहीं है, पर हम CHR के अंदर दे सकते हैं कोड, कैर कोड का जो फॉर्मूला था ना, तो ऑल्ट एंटर का कोड क्या था, 10, ठीक है। तो ये करेक्टर कंकेटिनेट कर देगा इसके साथ, ठीक है। और इसमें मैं डाल दूंगा ऑड नंबर्स एन ऑड, ठीक है। अब चलाते हैं, इनपुट बॉक्स है, यहाँ से नंबर मांगेगा
काउंटर चलेगा अपने आप। कौन सा चल रहा है काउंटर देख लेते हैं। काउंटर में 8 है अभी। फिर से और ये अबे ए काउंटर में कितने आ गए, 11 आ गए। तो 11 पे ये बाहर होगा। एक सेकंड, अब हो जाएगा। एक सेकंड, एनकाउंटर। ओहो काउंटर हम गलत चेक करा रहे हैं यार, एन इवन चेक करा रखा है ना, एनकाउंट करा। ठीक है अब इसको मैं वैसे ही रन कर देता हूँ ताकि ये डायरेक्ट मांगता ही जाए नंबर। ठीक है इवन नंबर 6 डाले थे मैंने, ऑड नंबर 4 डाले थे। तो इस तरह से ये प्रोग्राम चल जाता है। अब आगे देखते हैं। हाईएस्ट ऑफ एनी 10 नंबर्स, लार्जेस्ट ऑफ एनी 10 नंबर्स लगा लो। ठीक है पहले 3 नंबर में लार्जेस्ट किया था, अब इसमें देखते जाओ क्या होगा। इसने कैसे किया है, स्टार्ट न्यूमेरिक एन नंबर एन लार्जेस्ट एन काउंटर। ठीक है पहले काउंटर 0 है, तो 0 है तो मतलब लेस देन में ही खाली लेस देन इक्वल टू में देंगे। ठीक है एन लार्जेस्ट में 0 ले रखा है इसने, नंबर एक्सेप्ट किया, चेक करेगा एन नंबर ग्रेटर देन एन लार्जेस्ट। अभी तो एन लार्जेस्ट 0 है। ठीक है तो कोई नंबर अगर 0 से बड़ा है तो एन लार्जेस्ट में आ जाएगा। ठीक है तो मतलब अगर बड़ा है तो क्या करेगा, अभी 9 है तो यहाँ से एन नंबर बड़ा ही होगा शुरुआत में, तो एन लार्जेस्ट में ले जाएगा पहला नंबर। ठीक है अगर नहीं होता तो 9 से जाके करेगा, काउंटर हर केस में बढ़ेगा। फिर ऊपर आया, फिर नंबर दिया, अब देखेगा कि अब वाला नंबर जो एन लार्जेस्ट में पहला नंबर था उससे बड़ा है, बड़ा है तो ये एन लार्जेस्ट में वो बड़ा नंबर डाल देगा, अदरवाइज खाली चलेगा और काउंटर बढ़ा देगा। तो ऐसे ऐसे करते करते इसमें लास्ट तक बड़ा ही नंबर बचेगा। ठीक है और जैसे ही 10 पूरे हो जाएंगे लार्जेस्ट नंबर में जो वैल्यू पड़ी होगी वो दिखा देगा। ठीक है तो इसको बनाने की ज़रूरत है, ये तो बना ही लोगे हैं। और देखते हैं अब तो मैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा बताता हूँ। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मतलब सिखाने वाली चीज़ यहीं तक थी, पर एक और चीज़ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, हालांकि इसका रेफरेंस मैंने पहले भी दिया था। ये क्या होता है कि मॉड्यूल्स कहाँ बनाए जाते हैं, अभी हमने मॉड्यूल एंटर किया है, जैसे इसमें ये देखो मैंने बहुत सारे मॉड्यूल सब प्रोसीजर जो बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ, बहुत सारे बनाता जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि मान लो कि जैसे प्रोग्राम बनाना था कोई बड़ा, अभी जैसे इसके अंदर क्या ये प्रोग्रामिंग समझते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम मल्टीप्लाई भी करे और डिवाइड भी करे, दो काम करे। अभी तक जितने काम करवाए वो एक ही काम था खाली, हम चाहते हैं हम एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जो दो काम करेगा। तो इसमें पहले ही डिस्प्ले करेगा, एन चॉइस नाम का एक वेरिएबल ले लिया इसने, इसने कहा है कि अगर 1 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड, तो अगर फिर यह हमें कहता है एंटर चॉइस 1 और 2, तो 1 जो है मल्टीप्लाई के लिए 2 डिवाइड के लिए, ठीक है जैसा कि हम यूजर को बता रहे हैं। तो उसने डाला यहाँ पे एन चॉइस में कुछ भी डाल दिया, अब ये पूछ रहा है, अब ये देख रहा है कि एन चॉइस में उसने डाला क्या है, अगर 1 डाला है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और नहीं 2 डाला है तो डिवाइड में जाएगा, कुछ नहीं डाला है तो स्टॉप हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई डिवाइड के प्रोग्राम अलग बनेंगे, मल्टीप्लाई का लिंक यहाँ पे आ गया, ये तो डिवाइड का आ गया, मल्टीप्लाई का यहाँ आ गया। ठीक है वहाँ से कूद आया है मल्टीप्लाई में,
मल्टीप्लाई में इसने तीन वेरिएबल लिए, 1, 2, 3 एन प्रोडक्ट, तो तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट में दिखा दिया, प्रोडक्ट दिखा दी, रिटर्न, ये वापस इधर आया और इसके फ्लो के हिसाब से आगे चला गया। पर अगर वो डिवाइड होता तो ये डिवाइड में कूद जाता। तो डिवाइड का प्रोग्राम में क्या है, दो नंबर डालेगा, इस नंबर पहले ये चेक करेगा कि जीरो है कि नहीं, फिर इसमें लिख देगा डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। तो ये प्रोग्राम थोड़ा अलग से है, हम सीधा सीधा डिवाइड कराएंगे और कुछ नहीं कराएंगे, ठीक है। डिस्प्ले नंबर जो भी डिविजिबल होगा वो दिखा देगा, रिटर्न यहाँ पे आएगा और इसके फ्लो के हिसाब से आगे चला जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोग्राम बनेगा कैसे, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो मैं इसका कर देता हूँ सब MP, ठीक है, और इनके प्रोग्राम के हिसाब से बनाते हैं। न्यूमेरिक एन चॉइस, डिम CH एज इंटीजर, चॉइस का ले लिया मैंने। तो मैसेज दिखाना है, हम सीधा इनपुट बॉक्स में ही दिखा देते हैं और उठा लेते हैं, फालतू उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। इनपुट बॉक्स में हमने कर दिया कि एंटर 1, हेलो, हाँ तो फिर हम कर रहे थे एंटर 1 फॉर मल्टीप्लाई एंड 2 फॉर डिवाइड, यह हमने यूजर को बता दिया, 1 डाल या 2 डाल, चॉइस में आ गया। अब चॉइस में हम क्या देंगे, कंडीशन कि CH इक्वल टू 1 देन, ठीक है, एंड इफ। अब इसमें एक है कि 1 के अलावा 2 भी हो सकती है और 2 के अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो एल्स, या तो हम एल्स के अंदर एक इफ लगाएं। पहले तो 1 का अभी हम करेंगे, यहाँ हमारा मल्टीप्लाई चलेगा, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है, और हमें चेक करना है इफ 2 है, CH इक्वल टू 2 देन एंड इफ, तो 2 के केस में डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड की कोडिंग आएगी, मॉड्यूल आएगा बेसिकली, ठीक है, बाकी हमें किसी की ज़रूरत नहीं, कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले करा रहा हूँ इस बार। तो मल्टीप्लाई का मॉड्यूल अलग बनाने का मतलब है मैं उसका एक प्रोसीजर अलग बनाऊँगा, इसका नाम रख दूँगा मैं सब MULT, ठीक है। मल्टीप्लाई का क्या प्रोसीजर है यहाँ देख लेते हैं, मल्टीप्लाई में क्या बोल रहा है, हाँ, न्यूमेरिक n 1, 2, 3 n प्रोडक्ट, ठीक है, तो n dim n 1 as integer, n 2 as integer, ऐसे ही वेरिएबल ले लेता हूँ, और n 3 as integer और प्रोडक्ट है np as इंटीजर, ठीक है, ये 3 वो हो गई, और ये हम एक्सेप्ट एन 1, 2, 3 मार लेंगे, एक्सेप्ट हमें कराना है, एक्सेप्ट नंबर, एंटर नंबर कर देंगे हम n1 इनपुट बॉक्स से, एंटर नंबर, ठीक है, तो ये 1, 2, 3 के लिए मैं 3 नंबर एंटर कराऊंगा, वन टू और ये 3, और फाइनली मैं np के अंदर ये कर दूंगा n1 मल्टीप्लाइड बाय n2
मल्टीप्लाइड बाय एन थ्री, ठीक है, ये आ गया। और मैसेज भी यहीं डिस्प्ले करा दूंगा, एमएसजी बॉक्स एनपी, ठीक है। एक तो ये बन गया अपना, दूसरा मॉड्यूल बनना है डिवाइड का, तो दूसरा मॉड्यूल मैं बना देता हूँ, ये डिव कर देता हूँ, और इसमें दो ही नंबर थे जो कि डिवाइड हो रहे थे, तो इसको मैं एनडी कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइड के लिए ज़रा, क्योंकि एनडी जो कंटेन करेगा वो वैसी वैल्यू हो सकती है डिवाइड वाली, तो मैं इसको भी डबल में ले, डेसिमल वाली हो सकती है, तो मैं डेसिमल का ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एनडी मैं एन वन डिवाइड बाय एन टू, ये आ गया, इनको हटा देता हूँ, तो मेरा ये मॉड्यूल बन गया और एनडी डिस्प्ले करा दूँगा मैं। ठीक है, अब इनको यहाँ पे कॉल कैसे करना है, बस इनका नाम लिखना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैं उसका नाम लिख दूँगा और यहाँ पे मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ये कमेंट है मेरा, ये नाम लिख दिया बस, और डिवाइड का भी मैंने नाम लिख दिया ये। ठीक है, अब ये देखो कैसे चलता है, अब ये यहाँ से रन करेंगे, F8 इनपुट बॉक्स है, अगर मैं 1 चूज़ करता हूँ, यहाँ चेक करेगा 1 है 2 है, तो 1 है तो 1 में गया, मल्टीप्लाई में कूदा और यहाँ आ गया, यहाँ से इसने 3 नंबर मांगे मेरे से। ठीक है, मैसेज बॉक्स दिखा दिया इसने, एंड सब रिटर्न आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद ये डायरेक्ट यहाँ कूद गया, क्योंकि एल्स में तो कोई काम नहीं था ये। ठीक है, और अगर इसे डिवाइड में चलना था 2, यहाँ से आया CH से 2 चेक किया इसने, डिवाइड में चला गया, यहाँ से नंबर मैंने दिया 20 को 10 से डिवाइड कर दो, ये मैसेज बॉक्स ये आ गया, ये वापस कूदा वहाँ पे एंड इफ, ये गया। ठीक है, तो समझ आई मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो ये है आज की क्लास, और इसमें आपको एक बार देख लेना है, बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको अपने आप ट्राई करने हैं। ठीक है, जितना हो ठीक है, अपने आप ट्राई करना, इसके बेस पे आप करोगे कुछ हद तक हो जाएगा आगे। ठीक है।